दोस्तों, अगर आप भी चेन्नई की जीत से खुश हैं और धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, धोनी की चतुराई, रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी और दीपक चहर के तूफान में आज सिमट कर रह गई गुजरात टाइटंस की टीम। कैसे पांड्या की पलटन का जादू फेल हो गया धोनी के घर में और पहुंच गई सीधा चेन्नई फाइनल में। आपको दोस्तों धोनी के फैसले और इस टीम की गेंदबाजी का हाईलाइट दिखाने जा रहे हैं, जिसके आगे आज पांड्या की टीम भी पानी भरती नजर आई और उनके आईपीएल से पार होने तक की नौबत आ गई है। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पांड्या और धोनी में बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2023 के पहले क्वालिफायर में चेन्नई ने गुजरात को हराकर सीधा फाइनल में एंट्री कर ली है। 70 मैचों के बाद जब पहले क्वालिफायर में गुजरात और चेन्नई की टीम आमने सामने आई तो चेन्नई का रुतबा देखने वाला था। हालांकि दोस्तों, चेन्नई की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी और बल्लेबाजी करते वक्त उनकी शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन उसके बाद किस्मत ने चेन्नई का साथ देना थोड़ा बंद कर दिया था। ऋतुराज गायकवाड़ इस पूरे सीजन में चेन्नई की टीम का सहारा बने और डिवॉन कॉनवे भी। इस पार्टनरशिप ने वैसे तो इस सीजन 500-600 से ज्यादा रन लगा ही दिए होंगे, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने इस मैच में अकेले 44 गेंदों में 7 चौके 1 छक्का जड़कर पूरे 60 रन बनाए। उधर डिवॉन कॉनवे भी 34 गेंदों में 4 चौके लगाकर पूरे 40 रन बनाकर गए। मतलब कि दोस्तों, ये दोनों खिलाड़ी मिलकर वो 100 रन बना चुके थे जो शुरुआती दौर में किसी भी टीम को चाहिए होते हैं, और इनका स्कोर भी मात्र 10 ओवर तक 100 के पार पहुंच चुका था। हालांकि मिडल ऑर्डर में शिवम दुबे, अजिंक्य रहाणे, अंबती रायडू, इन सबसे काफी उम्मीदें थी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इन तीनों में कोई भी खिलाड़ी 17 से आगे नहीं बढ़ पाया। और रविंद्र जडेजा ने आकर 16 गेंदें 22 रन जरूर लगाए और मोइन अली भी 4 गेंदों में 9 रन लगाकर गए, लेकिन इससे चेन्नई की टीम को वो लक्ष्य नहीं मिला था जो किसी भी टीम को जीत के लिए पर्याप्त लगे, वो भी गुजरात के सामने। दोस्तों, चेन्नई ने 172 रन तो स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे, लेकिन गुजरात के पास शुभमन गिल है, राहुल तेवातिया है, हार्दिक पांड्या है, यहाँ तक कि डेविड मिलर भी है। जब बल्लेबाजी लाइनअप इतना खतरनाक हो तो लक्ष्य अपने आप में छोटा तो लगेगा ही, लेकिन ये महेंद्र सिंह धोनी का स्टेडियम है जनाब, यहाँ पर 90% चेन्नई ही जीतती है। और आज भी धोनी ने कुछ ऐसा ही कमाल करके दिखाया। दोस्तों, विकेट के पीछे से महेंद्र सिंह धोनी की गेंदबाजी का सिलेक्शन कितना अनूठा है वो आज हमने फिर से देखा। दोस्तों, गुजरात के पास बहुत सारे हथियारबंद खिलाड़ी हैं, लेकिन शुभमन गिल के और साहा की जोड़ी को तोड़ने के लिए काम आए धोनी के सबसे ज्यादा भरोसेमंद गेंदबाज दीपक चहर। देखिए, आते ही पारी के तीसरे ओवर में दीपक चहर ने रिद्धिमान साहा को आउट किया, लेकिन शुभमन गिल इतनी जल्दी टूटने वाले खिलाड़ियों में से तो नहीं है और वो रन भी बना रहे थे। एक साइड से शुभमन गिल रन बना रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट भी गिरते चले जा रहे थे। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या 8 रन पर दीक्षाना का शिकार बने, इसके बाद दशुन चनाका भी 17 रन पर आउट हो गए, और डेविड मिलर इससे पहले कि कुछ कर भी पाते वो 4 रन पर जडेजा की गेंद पर अपना विकेट फेंक कर चले गए। अब जब इतने सारे विकेट गिरेंगे तो जाहिर सी बात है ओपनिंग बैट्समैन का थोड़ा बहुत तो सपोर्ट टूटेगा ही, और शुभमन गिल को बड़ी पारी खेलने के लिए एक कॉन्स्टेंट बैट्समैन की जरूरत थी जो उन्हें मिल नहीं पाया, जिसके बाद 38 गेंदों में 42 रन लगाकर चेन्नई का सबसे बड़ा खतरा शुभमन गिल भी दीपक चहर के 14 ओवर में अपना विकेट गवा देते हैं। दोस्तों, शुभमन गिल कॉनवे के हाथों कैच आउट होते हैं और ये मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, लेकिन इस टर्निंग पॉइंट को बनाने वाले इसके रक्षाकर्ता विकेट के पीछे खड़े थे एमएस धोनी। दोस्तों, गिल लगातार रन बना रहे थे और 14 ओवर की पहली गेंद पर धोनी ने इशारा कर दिया था कि इस गेंद को स्लोअर गेंद में तब्दील करो, और फिर क्या होना था, पॉइंट पर खड़े दोस्तों कॉनवे ने इस कैच को पकड़ा और शुभमन गिल का विकेट मिल गया। इसके बाद तो खिलाड़ियों के आंकड़े भी कुछ ऐसे थे कि बताते हुए आपकी भी हंसी निकल जाएगी। दोस्तों, डेविड मिलर 4 रन पर आउट हो गए और राहुल तेवातिया 3 रन पर। हां, जिताने के लिए एक पार्टनरशिप जरूर बची थी, विजय शंकर और राशिद खान, लेकिन 102 पर 6 विकेट हो जाएं और जीतने के लिए 30 गेंदों में 71 रन चाहिए हो तो जीत नामुमकिन होती है, वो भी उसके सामने जो 4 बार अपनी टीम को आईपीएल जिता चुका है। उसके बाद आगे चलकर ऐसा ही हुआ, धोनी की चतुराई के चलते और भी विकेट्स मिल गए और चेन्नई की टीम ने बड़ी आसानी से एक बहुत बड़े मार्जिन से इस मुकाबले को जीता और सीधा फाइनल में एंट्री ले ली है। दोस्तों, यही है धोनी की ताकत जो पांचवां कप इस टीम को दिलाने जा रही है। लेकिन आप सभी धोनी की इतनी खतरनाक कप्तानी और दीपक चहर से लेकर जड्डू की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, जिसने सीएसके को फाइनल में पहुंचा दिया, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।